नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और बढ़िया लर्निंग वीडियो के बारे में। और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, क्या हम लोग कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम लोग रेगुलर बेसिस पे, पर मंथ बेसिस पे मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो बिल्कुल, आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपलीफाइड मैनर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छी भी लगेगी। और आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये नया चैनल आपको कुछ लर्निंग एनहांसमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें आपकी लर्निंग बढ़ रही है, प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करेंगे तो और अच्छी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करी जाएंगी। तो वीडियो के नीचे कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि हमारा एक और चैनल है बाजार के पंडित। तो यहां पर भी देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल देखने को मिलता है और आपको गाइड किया जाता है मार्केट के रिगार्डिंग, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग पहले होती क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं सिंप्लीफाइड मैनर में, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सारे बिगिनर्स को बता देता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग वो स्टॉक होते हैं जिसमें आप स्टॉक को लेते हैं कितने, 1 से 3 हफ्ते के लिए। अगर आप मैक्सिमम कहेंगे तो 1 से 3 हफ्ते के लिए स्टॉक लेते हैं और उनको क्या करते हैं, पैटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें, यानी कि हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं। और जैसे ही वो स्टॉक पे मूवमेंट आता है, एक बाउंस बैक आता है, तो आप अपना एक मार्जिन, अपना एक परसेंटेज लेके क्या हो जाते हैं, सेल कर देते हैं। ये स्विंग ट्रेड क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स होते हैं, यानी कि आप स्विंग का फायदा उठाते हैं, यानी कि जो सडन मूवमेंट आता है स्टॉक में, एक बाउंस बैक आता है, उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक आप 1 हफ्ते से 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए लेते हैं, उन्हें स्विंग ट्रेड स्टॉक कहते हैं, जिसमें आप बढ़िया तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर पैटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बढ़िया मुनाफा विद इन 1 मंथ में कमा सकते हैं। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, स्विंग ट्रेड में सबसे पहले स्टॉक का सिलेक्शन करना बहुत ही प्रायोरिटी है, यानी कि आपका स्टॉक बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का होना चाहिए कि आपका बाउंस बैक आपको पता हो और हर गिरावट पे आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ खरीद सकें। तो आपको उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए आपको देखना है फंडामेंटल स्टॉक, यानी कि कहता है स्टॉक जिसकी कंपनी मजबूत हो, बैलेंस शीट मजबूत हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब बहुत ही मजबूत हो, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। अगर देखिएगा, स्ट्रांग होंगे फंडामेंटल तो क्या हो जाएगा, हर गिरावट पे आप उसको खरीद सकते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो डगमगाएगा नहीं। अगर फंडामेंटल नहीं अच्छे होंगे तो जैसे स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन आ जाएगा तो आप डर जाओगे और पैनिक में आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमेशा एज बिगिनर आपको क्या करना है, केवल फंडामेंटल स्टॉक, या फिर आप ये कह सकते हो कि चुनिंदा कंपनी 10 से 15 जो हैं, जो काफी अच्छे फंडामेंटल लगती हैं, उन्हीं में आपको स्विंग ट्रेड करना है। अब दोस्तों देखिएगा, हर स्टॉक जो भी फंडामेंटल होता है उसमें 3 से 4 गिरावट होती है, यानी कि 3 से 4 गिरावट पे क्या कर देता है स्टॉक, क्या कर देता है, बाउंस बैक कर देता है। 3 से 4 गिरावट के बाद वो क्या कर देता है, फिर से एक बार बाउंस बैक कर देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। यहाँ पे श्योरिटी नहीं है लेकिन 90% केसेस में ऐसा ही होता है। तो आपको स्टॉक के पहले सपोर्ट फाइंड कर लेने, यानी कि क्या कर लेने, सपोर्ट फाइंड कर लेने कि इन सपोर्ट पे मुझे क्या करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदनी है। लाइक आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको 20-20 रुपए करके इसमें हर सपोर्ट पे 20 रुपए लगाने, तो 20-20-20-20 करके आपने क्या करा, स्टॉक को बाय किया, आपका एवरेज अच्छा बना। और जैसे स्टॉक में मूवमेंट आया तब आपको रेजिस्टेंस भी देखने हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, कौन से लो रेजिस्टेंस हैं, यानी कि वीक रेजिस्टेंस हैं। जो बहुत जल्दी हिट हो जाते हैं उन्हें वीक रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं जहां से स्टॉक कई बार वापस हो चुका है, तो आपको देखना क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास उससे पहले ही स्टॉक को क्या कर देना है, सेल कर देना है, ताकि आप अच्छी टाइम पर प्रॉफिट भी बुक कर लो और आपका बेनिफिट भी शॉर्ट टर्म में बन जाए। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा स्विंग ट्रेड स्टॉक क्या होता है, फंडामेंटल स्टॉक्स में ही आपको रहना है।
कभी भी स्विंग ट्रेड आप एज अ बिगिनिंग में कभी भी नॉन फंडामेंटल स्टॉक में या फिर रिस्की स्टॉक में नहीं करिएगा, क्योंकि वो तब आप कर सकते हैं जब आप मार्केट में 2-3 साल से लर्निंग कर चुके हों, तब उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। हम लोग उसकी भी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अलग होता है। अब बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर प्रॉफिट कितने परसेंट पे। देखिएगा मैं बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म पिक होती है और लॉन्ग टर्म पिक होती है। अब देखिएगा शॉर्ट टर्म पिक हमेशा कहता है, शॉर्ट टर्म में आपको अगर 6-8% का रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक उसके बाद कितना भाग गया, कभी भी कोई भी रिग्रेट मत करिए। रिग्रेट आपका अगला लॉस है, यानी कि अगर आप रिग्रेट कर रहे हो तो वो आपको अगले लॉस के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट लॉस आपको होने वाला है। तो आपको स्विंग ट्रेड में 6-8% का रिटर्न मिल रहा है, इट इज वेरी गुड, और जैसे ही मिलता है तो आपको टाइम पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद स्टॉक 20% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, आपको कोई भी मतलब नहीं, अवॉइड करिए, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है। हम लोग आपको कितने स्विंग ट्रेड स्टॉक बताते हैं, हमेशा देखिएगा आपके पास स्विंग ट्रेड स्टॉक आते रहते हैं, तो देखिएगा वीडियो में गाइडेंस आपको मिलती रहती है। और देखिएगा आपने एक जगह से आपका पैसा फ्री हुआ तो आप दूसरी जगह पे एंट्री ले लोगे तो वहां पे भी 8% मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी है, 6-8% के रिटर्न मिल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब पर मंथ इनकम कैसे होगी, ऐसा अगर आप महीने में 2-4 बार कर लेते हैं तो मान लीजिए आप 10,000 की कैपिटल लगा के स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और आपको 8% रिटर्न मिल रहे हैं, यानी कि 8% रिटर्न मिल रहे हैं और आपने 4 बार ऐसा कर लिया, तो आपको 2400 रुपए के आने लगेंगे पर मंथ आपको आने लगेंगे। 3 बार हो जाता है तो आपके आने लगेंगे, सॉरी अगर आप 4 बार कर लेते हैं तो आपके 3200 रुपीज आने लगेंगे, 3 बार कर लेते हैं तो 2400 रुपए आने लगेंगे, और 2 बार कर लेते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, 1200 रुपए आने लगेंगे। ऐसे धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होगे, ऐसे धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होने लगोगे, और जब एक्सपर्ट होने लगोगे तो ये अमाउंट अपने आप बढ़ेगा, कैपिटल अपने आप बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन यहां पे कोई भी पैनिक नहीं है, क्योंकि स्टॉक आपका क्या है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, मार्केट आपका स्टॉक भी क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो बस ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, और इसमें अगर हम आपको बताएंगे तो ITC का स्टॉक अभी देखिएगा, रिसेंटली फंडामेंटल आपको बताया गया था, सब कुछ बताया गया था, तो एग्जांपल मैं दे देता हूं। तो देखिएगा अभी 29 जनवरी की बात हो रही है, 29 जनवरी के बाद देखिएगा स्टॉक में 240 रुपए तक का मूवमेंट आया था, तो जिन लोगों ने बाय ऑन डिप्स करा 205 से 200 पे और 195 पे, उनको देखिएगा कितना बढ़िया रिटर्न देखने को मिला, कम से कम 16% के रिटर्न आपको यहां पे देखने को मिले। इसके अलावा VRL लॉजिस्टिक अगर आप देखेंगे तो 27 जनवरी को कहां पे था, 180 के आसपास आपको देखने को मिला था, और वहां से देखिएगा कितने बढ़िया मूवमेंट देखने को मिले। आपको बताया गया था सेक्टर का लीडर है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, सब कुछ बताया गया था, और वहां से देखिएगा मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो कभी कभार आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है, बट आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे, और धीरे धीरे आपकी पर मंथ की इनकम क्या हो जाएगी, बनने लगेगी, और आपकी लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअली क्या करोगी, इंक्रीज होगी। तो ये स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, समझने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।